दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। क्लास टेंथ की बायोलॉजी के अंदर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाए हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरी देख लेना ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है जो कि है, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड डिराइव करता है, यानी फूड को गेन करता है बिना उसको मारे, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ए ऑप्शन सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन होलोजोइक न्यूट्रिशन, या डी ऑप्शन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंदर होता यह है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फूड लेता है बिना उसको किल किए, बिना उसको मारे। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जो कि हमारे पास आता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज डैश। दोस्तों, जैसा फंगी होता है वो अपना फूड किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन से गेन करता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ए ऑप्शन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, बी ऑप्शन होलोजोइक न्यूट्रिशन, सी ऑप्शन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या डी ऑप्शन सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो फंगी होता है वो अपना फूड सेप्टोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा गेन करता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जो कि हमारे पास आता है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डैश। दोस्तों, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं, यानी प्लांट्स की जड़ें होती हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सोयल, यानी मिट्टी से। वो पानी को एब्जॉर्ब किस प्रोसेस से करती हैं वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ए ऑप्शन डिफ्यूजन, बी ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, सी ऑप्शन ऑसमोसिस, या डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी ऑसमोसिस। जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सोयल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑसमोसिस। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ जो कि हमारे पास आता है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज डैश। दोस्तों, प्लांट के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर जो उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसकी जगह क्या है, यानी वो कहाँ पे होती है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ए ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन साइटोप्लाज्म, या डी ऑप्शन प्रोटोप्लाज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो प्लांट के सेल के अंदर होती है, और उधर भी वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ जो कि हमारे पास आता है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द डैश। दोस्तों, अमीबा के अंदर फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन फूड वैक्यूल, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन सूडोपोडिया, या डी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी फूड वैक्यूल। अमीबा के अंदर फूड फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट होता है, यानी पचता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ जो कि हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलाइवरी माइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। दोस्तों, अगर सलाइवा के अंदर से सलाइवरी माइलेज को खत्म कर दिया जाए तो हमारी माउथ की कौन सी एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, यानी इफेक्ट पड़ेगा वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ए ऑप्शन स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। दोस्तों, जो सलाइवरी माइलेज होता है वो स्टार्च को ब्रेक करता है शुगर के अंदर, यानी इस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा, तो यानी हमारा ए ऑप्शन ही करेक्ट है। वैसे बी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बी ऑप्शन प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। दोस्तों, सलाइवरी माइलेज से प्रोटीन का कोई लेना देना ही नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। सी ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, एब्जॉर्प्शन का भी कोई लेना देना नहीं है, तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइकोजन, ये तो टोटली रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होएगा ए, यानी स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर।
ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड। दोस्तों हमारी ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना देर के शुरू करते हैं। ए ऑप्शन स्टमक, बी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, सी ऑप्शन लार्ज इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे एलिमेंट्री कनाल का स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड डैश। दोस्तों जो हमारी फूड पाइप होती है उसकी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट को क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन ट्रांसपोलेशन, बी ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, सी ऑप्शन पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, या डी ऑप्शन डाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। जो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट होती है हमारी फूड पाइप की, उसको हम कहते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट दैट राइस वाटर कंटेन्स डैश। दोस्तों जब हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन की राइस वाटर के अंदर डालते हैं तो उस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लू ब्लैक हो जाता है। और वो ब्लू ब्लैक क्यों होता है वो हमें बताना है कि वाटर के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है जो उस सॉल्यूशन को ब्लू ब्लैक कर रही है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन फैट्स, बी ऑप्शन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, सी ऑप्शन स्टार्च, या डी ऑप्शन सिंपल प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी स्टार्च। जब हम आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉपलेट्स राइस वाटर के अंदर डालते हैं तो सॉल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वाटर जो सा राइस वाटर है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय डैश। दोस्तों जो सी हमारी बॉडी है उसका अनएब्जॉर्ब फूड को एग्जिट करने में कौन हेल्प करता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना देर के शुरू करते हैं। ए ऑप्शन लीवर, बी ऑप्शन एनस, सी ऑप्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, या डी ऑप्शन एनस स्फिंक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी एनस स्फिंक्टर। दोस्तों जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको एग्जिट करने में एनस स्फिंक्टर हेल्प करता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। दोस्तों जब प्लांट्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो कौन से टाइप के प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं हमें वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, सी ऑप्शन एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, या डी ऑप्शन पाइरूवेट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी। ये तीन चीजें हमें, यानी ये तीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं जब प्लांट्स के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। दोस्तों जब पाइरूवेट ब्रेक डाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी में, वो कहाँ पे होता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, या डी ऑप्शन न्यूक्लियस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है ग्लाइकोसिस इज प्रोसेस अक्कर इन विच पार्ट ऑफ द सेल। दोस्तों जो ग्लाइकोसिस प्रोसेस होती है वो सेल के किस पार्ट के अंदर होती है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना देर के शुरू करते हैं। ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म, बी ऑप्शन न्यूक्लियस, सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, या डी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी साइटोप्लाज्म। जो ग्लाइकोसिस प्रोसेस होती है वो साइटोप्लाज्म के अंदर अक्र होती है, यानी परफॉर्म होती है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है नेम द सब्सटेंसेस विच हुज बिल्डअप इन द मसल ड्यूरिंग विग्रियस फिजिकल एक्सरसाइज मे कॉज क्रैम्प्स। दोस्तों जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल के अंदर कौन से सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारे क्रैम्प्स बन जाते हैं, यानी हमारी हड्डियों में दर्द होने लगता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना देर के शुरू करते हैं। ए ऑप्शन एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में एनर्जी, बी ऑप्शन लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी,
सी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, या डी ऑप्शन डी पाइरूवेट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। जब हम ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल के अंदर क्रैम्प्स हो जाते हैं, यानी दर्द होने लगता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। दोस्तों, जो सा प्लांट्स होता है उसकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस किन पोर्स के द्वारा होती है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। ए ऑप्शन लेंटिसल्स, बी ऑप्शन वैक्यूल्स, सी ऑप्शन जाइलम, या डी ऑप्शन स्टोमेटा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोमेटा, यानी डी ऑप्शन। ओके दोस्तों, स्टोमेटा के साथ साथ, मतलब स्टोमेटा की हेल्प से जो प्लांट होता है वो गैसेस को एक्सचेंज करता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग इज डैश। सो दोस्तों, हमारी ह्यूमन बींग का रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बिना किसी के शुरू करते हैं। ए ऑप्शन कैरोटीन, बी ऑप्शन क्लोरोफिल, सी ऑप्शन हाइमोग्लोबिन, या डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी हाइमोग्लोबिन। जो हमारी बॉडी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हाइमोग्लोबिन। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। कौन सा प्लांट टिश्यू हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करने में फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके दोस्तों, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन जाइलम, बी ऑप्शन फ्लोएम, सी ऑप्शन पेरेन्काइमा, या डी ऑप्शन कोलेन्काइमा। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी जाइलम। जाइलम एक ऐसा प्लांट टिश्यू है जो कि वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड डैश। सो दोस्तों, जब फूड की मूवमेंट होती है फ्लोएम के अंदर उसको क्या कहा जाता है वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन ट्रांसपिरेशन, बी ऑप्शन ट्रांसकोलेशन, सी ऑप्शन रेस्पिरेशन, या डी ऑप्शन इवेपोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी ट्रांसकोलेशन। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, अ ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। सो दोस्तों, उस ब्लड वेसल का नाम बताओ जो ब्लड को पंप कर देती है फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी, यानी हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके दोस्तों, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन आर्टरी, बी ऑप्शन कैपिलरी, सी ऑप्शन वीन, या डी ऑप्शन हाइमोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी आर्टरी। आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को पंप करती है फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी या एंटायर बॉडी। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। सो दोस्तों, ब्लड के अलावा हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई दूसरे सर्कुलेटरी फ्लूइड का नाम बताइए। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन प्लेटलेट्स, बी ऑप्शन आरबीसी, सी ऑप्शन लिम्फ, या डी ऑप्शन प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी लिम्फ। लिम्फ भी एक ऐसा सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है अदर देन ब्लड। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। उस ट्यूब का नाम बताइए जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करती हैं, आपस में जोड़ती हैं, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन यूरेथ्रा, बी ऑप्शन नेफ्रॉन, सी ऑप्शन ट्यूबल, या डी ऑप्शन यूरेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक ऐसी ट्यूब है जो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को आपस में कनेक्ट करती हैं। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। सो दोस्तों, नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट अलाउ करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटीरियल लाइक ग्लूकोज, एसिड, साल्ट, वाटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन ट्यूबल, बी ऑप्शन ग्लोमेरुलस, सी ऑप्शन बोमेंस कैप्सूल, या डी ऑप्शन यूरेटर। तो गाइस, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, एक बार अपने टीचर से कंसर्न कर लेना इस क्वेश्चन के बारे में। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर है ए, यानी ट्यूबल, लेकिन आप एक बार अपने टीचर से जरूर पूछ लेना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो कि हमारे पास आता है,
वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड, तो हमारी बॉडी के अंदर डर्टी ब्लड कहाँ पे फिल्टर होता है, कहाँ पे स्वच्छ होता है, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन हार्ट, बी ऑप्शन लंग्स, सी ऑप्शन यूरेटर या डी ऑप्शन किडनी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी किडनी। हमारी बॉडी का डर्टी ब्लड किडनीज के अंदर फिल्टर होता है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास आता है द प्रोसीजर यूज बाय क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड डैश। सो दोस्तों, उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं जब हम किसी भी पर्सन की बॉडी का ब्लड को हम क्लीन करते हैं बाय सेपरेटिंग हिज यूरिया, वो हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑस्मोसिस, बी फिल्ट्रेशन, सी डायलिसिस या डी ऑप्शन डबल सर्कुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी डायलिसिस। डायलिसिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी पर्सन के बॉडी का ब्लड को क्लीन करते हैं बाय सेपरेटिंग हिज यूरिया। और दोस्तों, 25th क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में खुद करके बताओगे कि जौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो, और किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तब भी कमेंट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।